हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 जून के करंट अफेयर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके डिटेल के साथ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह जो हमारा वीडियो है आज का, यह बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस पैटर्न से संतुष्ट हैं, या फिर अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट examtrends.net से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ मैंने लगा दिया है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट मैटर हैं उनको पोस्ट किया जाता है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। वहाँ पे जो भी अपडेट होंगे एग्जाम से रिलेटेड और जो वीडियोज होते हैं उनके लिंक आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप इस नंबर पर अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बाद में आपको मैं ग्रुप बना करके उसमें ऐड कर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इम्फाल युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप ये बताइए कि इम्फाल पड़ता कहाँ है। सबको पता होना चाहिए कि इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, और इम्फाल युद्ध का मतलब कि इम्फाल में कोई युद्ध हुआ होगा। हाँ, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 तक चलता हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें होता क्या है कि जापान और ब्रिटिश भारत के मध्य इम्फाल पर एक होता है, वहाँ पे एक रेड हिल नाम की जगह है, वहाँ पे एक लड़ाई होती है जो कि इम्फाल युद्ध के नाम से फेमस है। तो फिलहाल इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है इम्फाल युद्ध की। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, देखिए उस युद्ध के दौरान क्लिक की गई एक फ़ोटो है। अब इसके डिटेल की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर तो हमारा है 75वीं, लेकिन डिटेल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग मणिपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल क्या है, कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ के CM हैं वीरेन सिंह। अब मैंने आपको बताया कि यह जो इम्फाल युद्ध हुआ था यह रेड हिल पहाड़ी पर हुआ था, और इस 75वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर इम्फाल शांति संग्रहालय की स्थापना कराई गई है। यह अपनी तरह का विश्व में पहला संग्रहालय है। कैसे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए यह जो संग्रहालय है ना, इसमें कुल 3 खंड है। कितने खंड है, 3 खंड, और सब एक स्पेशल इनका एक कैरेक्टर है। जैसे पहला जो खंड है उसमें बताया गया है युद्ध का कालक्रम और मृतकों का नाम। दूसरा खंड है जिसमें युद्ध के प्रभाव दर्शाए गए हैं। तीसरे खंड में मणिपुर के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह भारत में अपनी तरह का एकमात्र संग्रहालय है। अब बात आती है कि इस संग्रहालय या फिर इस म्यूज़ियम की स्थापना किसके द्वारा कराया गया है। तो निप्पो फाउंडेशन के सहयोग से मणिपुर पर्यटन फॉर्म और सरकार द्वारा इसकी स्थापना कराई गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया। तो विश्व संगीत दिवस मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन 21 जून को। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल म्यूज़िक डे 2019। अब इसका थीम क्या है, इसका थीम है म्यूज़िक एट द इंटरसेक्शंस। इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 21 जून 1982 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको मनाए जाने की शुरुआत किया गया था। ठीक, मैक्सिमम जो आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस मिलेंगे उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड G20 काफ़ी इम्पॉर्टेंट समूह है। तो कल हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो देखेंगे। कल दोपहर में 2 बजे आपको वीडियो मिलेगा इसका G20 के बारे में, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन तो आप पढ़ रहे हैं। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं या फिर कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं 14वें G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बारे में। तो इसका आयोजन किया जाएगा जापान में। कहाँ पे किया जाएगा, जापान में एक जगह है जिसका नाम है ओसाका। ओसाका में 28 से लेकर के 29 जून के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, और इस बार इसका थीम क्या रखा गया है, मानव केंद्रित भविष्य समाज, ये है इसकी थीम। और भारत भी G20 का
उद्घाटन करेगा। G20 का आयोजन भारत में कब होगा, तो 2020 में भारत में G20 का आयोजन होगा। अब जापान से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जापान की कैपिटल है टोक्यो, और टोक्यो अगर आ गया तो तुरंत याद रखिएगा 2020 का जो हमारा ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, जापान की कैपिटल टोक्यो में। इसके अलावा जापान की संसद से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जापान की संसद का नाम है डायट, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अभी हाल ही में हमने जापान के सम्राट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, तो जापान के वर्तमान में सम्राट कौन है, नारुहितो। इनका क्या नाम है, नारुहितो इनका नाम है। और जब इन्होंने 1 अप्रैल को अपना नया कार्यकाल शुरू किया तो वहाँ जापान में रीवा युग की शुरुआत हो गई और हिसेई युग का अंत हो गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि नारुहितो के आने के बाद कौन से युग की शुरुआत हुई है, तो रीवा युग की, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यह इमेज है राघवेंद्र सिंह चौहान की। आपको मैं बता दूं, पहले ये जो तेलंगाना उच्च न्यायालय था ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद में था, लेकिन आपको पता है कि 2 जून को तेलंगाना अलग हो जाता है आंध्र प्रदेश से। 2 जून 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो जाता है और इसके बाद देश का 25वां हाईकोर्ट बनता है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अब ये जो राघवेंद्र सिंह चौहान हैं ये वहाँ के दूसरे न्यायाधीश हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ के पहले न्यायाधीश कौन हैं। देखिए, जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, पर्टिकुलर जो भी राज्य वहाँ के राज्यपाल द्वारा। तो तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल है नरसिंहन, इन्होंने शपथ दिलाया है राघवेंद्र सिंह चौहान को। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में, जो कि एक विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसका बजट कितना है, 80,500 करोड़ रुपये इसका बजट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, तो यह जीता गया है किसके द्वारा, पंकज आडवाणी के द्वारा। स्नूकर, अब आप इस गेम को भली भांति समझ गए होंगे, ये गेम है स्नूकर और ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह है पंकज आडवाणी की। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ डिटेल भी देख लेते हैं कि यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी प्लेयर कहाँ से बिलोंग करता है। पंकज आडवाणी बिलोंग करते हैं पुणे से और इनका जन्म हुआ था 1985 में। 19 बार वे विश्व चैंपियनशिप रह चुके हैं, इसको याद रखिएगा, या भारत के बिलियर्ड्स व स्नूकर प्लेयर हैं। इनको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे 2004 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, 2006 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, उसके बाद 2009 में पद्मश्री अवार्ड मिला, फिर मिला था इनको पद्म भूषण 2018 में। ठीक है, अब अगर हम लोग एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें तो यह एक नॉन प्रोफेशनल स्नूकर टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चर्चित खिलाड़ी हैं प्रणति नायक, यह किस खेल से संबंधित है, स्नूकर है, शूटर है, फुटबॉलर है या फिर जिम्नास्टिक है, तो याद रखिएगा ये कौन है, यह एक जिम्नास्ट है। ठीक है, प्रणति नायक कौन है, एक जिम्नास्ट है, जो आप इमेज देख रहे हैं यह इमेज है प्रणति नायक की। अब यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये कहाँ पे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल में। 2 और इम्पॉर्टेंट जिम्नास्ट हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दीपा कर्माकर और अरुणा रेड्डी। नाम याद रखिएगा, दीपा कर्माकर और अरुणा रेड्डी, ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वर्तमान में इस समय कौन है फेमस, ये हैं प्रणति नायक। अब बात आती है ये चर्चा में बनी क्यों, क्योंकि इन्होंने एशियाई आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब इस बार तो इसका आयोजन हो चुका है, लेकिन अगली बार इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन अगली बार होगा 2020 में जापान में, और इस बार कहाँ पे हुआ, तो मंगोलिया में इस बार इसका आयोजन हुआ था, दोनों याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आखिर ये FATF होता क्या है। देखिए, जब भी कोई देश
जब भी कोई देश आतंकवादियों की फंडिंग करता है तो FATF क्या करता है, उस पर फाइनेंशियल रूप से उस पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो इस वजह से आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए FATF की स्थापना की गई थी, या फाइनेंशियल रूप पे जब प्रतिबंध लगा देता है, और जब भी किसी देश पर FATF प्रतिबंध लगा देता है तो उसको IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियाई विकास बैंक से, इन जो देश हैं इनसे वित्तीय सहायता मिलने में कमी, पूरा बंद तो नहीं होता है लेकिन कमी हो जाती है। कमी कब होती है, जब ग्रे लिस्ट में रहता, अगर यह गलती से ब्लैक लिस्ट में चला गया तो ये जो संगठन है या किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि 2018 में पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया था, और इस बार बालाकोट के अटैक के बाद जो हुआ था, हमारा जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था, उसके बाद इसको पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया गया था कि इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ और ग्रे लिस्ट में ही बरकरार है। तो इसको याद रखिएगा कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार है, ठीक है। FATF की स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसके कुल 38 सदस्य देश हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ग्रे सील मछली किस महासागर में पाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसकी खासियत क्या है, कि हम लोग इस मछली के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। जो आप इमेज देख रहे हैं, यह इमेज है ग्रे सील मछली की। इसकी खासियत यह है कि यह इंसान के शब्दों और आवाज़ की नकल आराम से कर सकती है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मछली है। अब यह किसने पता लगाया, तो स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि ग्रे सील मछली का यह एक खासियत है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा सही आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर, ठीक। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, लंदन के नेहरू केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया। नेहरू केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है अमीश त्रिपाठी को। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इमेज किसकी है, अमीश त्रिपाठी की। या और भी ज़्यादा चर्चित है, इससे पहले इनके कुछ बुक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, जैसे इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। हमारा आंसर क्या है, अमीश त्रिपाठी। अब देखिए, यह जो हमारा नेहरू केंद्र है यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अधीन आता है, और अमीश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, सीक्रेट ऑफ द नागाज, ठीक है। इसके अलावा इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, ये सब इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इस केंद्र की, नेहरू केंद्र की स्थापना कब हुई है, तो 1992 में हुआ था। किस उद्देश्य से, कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वत सेहत बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। यह योजना लॉन्च किया गया है पंजाब के सरकार द्वारा, ये पंजाब के CM हैं अमरिंदर सिंह, इन्होंने लॉन्च किया सर्वत सेहत बीमा योजना। इसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी, तो इसकी लॉन्चिंग की जाएगी जुलाई 2019, मतलब अगले महीने में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और जो वार्षिक बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा वह कितना होगा, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इससे कुल 43 लाख घरों को लाभ मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग जो हमारे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, अब तो आपको क्वेश्चन लिख के आ रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, ट्रैफिकिंग इन पर्संस, ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है हमारा, मानव तस्करी, ठीक है। इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत मानव तस्करी देश के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसमें हमारा सही आंसर होगा 77%, 77% मानव तस्करी देश के अंदर हो रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश हेराल्ड पत्रिका द्वारा किसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति चुना गया। इसका आंसर तो बहुत ईजी है, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। सेकंड नंबर पे हैं व्लादिमीर पुतिन और थर्ड पे हैं सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना द्वारा 2020 तक कितने लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। तो 2020 तक कुल 5 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। उसके बाद है हमारा, 2020 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खेल को शामिल किया गया।
तो इसमें कुल 3 खेल हैं, जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं। पहला तो है हमारा महिला क्रिकेट, दूसरा हमारा बीच वॉलीबॉल, तीसरा हमारा पैरा टेबल टेनिस। अब 2 की तो एंट्री हुई है, 3 की एंट्री हुई है और 2 की एग्जिट हुई है। 2 वैसे खेल कौन से हैं, तो निशानेबाजी और तीरंदाजी, इन 2 खेलों को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू किया, तो ऐसा करने वाला है ब्रिटेन। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने सबसे पहली बार जलवायु आपातकाल भी लागू किया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डीडी इंडिया चैनल का प्रसारण किन देशों में शुरू किया गया, इसका प्रसारण शुरू किया गया है बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया में। कहाँ कहाँ? बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल्हापुरी चप्पल के लिए किन 2 राज्यों को GI टैग दिया गया है, तो एक तो है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा है हमारा कर्नाटक। ठीक, महाराष्ट्र और कर्नाटक को कोल्हापुरी चप्पल के लिए GI टैग दिया गया है। फिर हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किस राज्य के लोगों ने सबसे ज़्यादा योग करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा। यहाँ पे एक साथ कुल 60,00,000 लोगों ने योग किया। तो ये थे हमारे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नहीं 2 क्वेश्चन हमारे और हैं, नहीं हम हाँ तो हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू किया, यह ट्रायल शुरू किया है केरल ने। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है, ब्रिटेन होगा हमारा सही आंसर इसमें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य ने शुरू किया है, तो केरल ने शुरू किया है पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट। नेक्स्ट है हमारा कि माय लाइफ माय मिशन किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है स्वामी रामदेव की, इसमें उनके बारे में बताया गया और इसकी लॉन्चिंग की जाएगी अगस्त 2019 में। और आज का आपका क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यह है हमारा कि हाल ही में किसे लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इसके बारे में आप सोचिएगा और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। साथ ही साथ एक एडिशनल क्वेश्चन है कि प्रोटेम लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया, प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था, तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप ना किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।